हेलो स्टूडेंट्स, जो 13 मई का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका एक बार आप सॉल्यूशन देख लो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 होगा। इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट और टोटल 10 स्टेटमेंट है, तो आंसर विल बी 7। तो देखो जरा, जो अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स, ये इनकरेक्ट है। तो ऑल विल बी करेक्ट एक्सेप्ट 1, 4 एंड 6। देखो जरा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। अब ये जो IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड है, इसमें जो फर्स्ट गिवन होता है वो हमेशा कैटाइन होता है और जो सेकंड होगा वो हमेशा एनाइन होगा। तो देखो बेटा, एनाइन है और इसमें जिंक हमेशा कंबाइंड स्टेट में +2 होगा, तो इस टोटल स्फीयर में -2 हो जाएगा बिकॉज 4 क्लोराइड आयन, तो यहाँ आएगा 2+। और NCS -1 होगा तो क्रोमियम का आएगा +3। और चूंकि ये क्या है, दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो ये हमेशा कैटाइन है और कैटाइन में क्रोमियम को क्रोमेट ना बोल के क्रोमियम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या मेंशन है, क्रोमेट। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट था और बाकी सब सही है। पेंटा अमाइन, थायोसाइनेटो एन, क्रोमियम थर्ड, टेट्रा क्लोराइडो, जिंकेट सेकेंड विल बी द करेक्ट नेम। तो क्रोमेट यहाँ पे यूज करा था। और वैसे भी बेटा, क्रोमेट और जिंकेट दोनों साथ में कैसे होंगे, एक कैटाइन होगा तो एक एनाइन होगा, और कैटाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम को क्रोमियम बोलते हैं, एनोइनिक में क्रोमेट बोलते हैं। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 Vol2SO4.6H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। यस, दिस इज करेक्ट। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अगर देखोगे इसका, इसको अगर वाटर में डालोगे तो हमें आयन्स मिलते हैं Fe2+, सल्फेट आयन एंड Potassium+। और अच्छी बात क्या है, इन तीनों के टेस्ट आपको एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव मिलते हैं। इट मीन्स देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, सो देयर इज नो चांस टू बी कॉम्प्लेक्स आयन। तो यस, इट इज डबल सॉल्ट। इसको सूडो एलम भी बोलते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एलम्स की तरह होते हैं, जिस तरीके से एलम डबल सॉल्ट होता है उसी तरीके से मोर सॉल्ट भी आपका डबल सॉल्ट होता है। नेक्स्ट, इन CONH3O4 NO2O2NO3 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज 6। यस, दिस इज करेक्ट। अमोनिया इज मोनोडेंटेड, NO2 इज ऑल्सो मोनोडेंटेड, तो टोटल मोनोडेंटेड होगा यहाँ पे 6, और जो 6 होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। नेक्स्ट, इन FeCO5 सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयरन इज 0। बेटा FeCO5 में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 0 होगा और सेकेंडरी वैलेंसी 5 होगी। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्राइमरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी। सो इन दिस कॉम्प्लेक्स Fe इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस प्राइमरी वैलेंसी विल बी 0 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, हेंस सेकेंडरी वैलेंसी विल बी 0। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, देयर आर ट्वेल्व बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन। तो अगर डाइबोरेन का मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊं, तो यहाँ ध्यान से देखो, डाइबोरेन इज अ डाइमर ऑफ BS3। और इसमें क्या खास बात होती है, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो 12 है। अब होता क्या है, ये जो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और ये जो पूरा बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और ये बॉन्ड होता है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है, यही वाले इलेक्ट्रॉन दोनों जगह शेयर्ड होते हैं, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो एक एक इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो भी ये भी किस शेप में आएगा, बनाना शेप में, और दोनों में आप ये अज्यूम कर सकते हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली B2H6 में बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, टोटल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं 4। तो अगर आप देखोगे
इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे 4, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 12. सो देयर आर 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, B3N3H6 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड. B3N3H6 बेटा जेई को बहुत पसंद है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं. और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मल बेंजीन होता है उसमें CH होते हैं आपके 6 कार्बन में, ईच कार्बन इज हैविंग 1 हाइड्रोजन. और उसी तरीके का कुछ अल्टरनेट बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 बॉन्ड बनाए, तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है. लेकिन ये जो लोन पेयर डोनेशन होगा, ये जो लोन पेयर डोनेशन होगा वो इनके ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा. और इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो बेटा, बिल्कुल सिमिलर बेंजीन जैसा बन गया, इसलिए इसको ऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन. और दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक होगा. क्यों? क्योंकि जो 3 पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड है, और इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो समाप्त हो जाती है. इसमें इस तरीके किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं रहता है, इसलिए B3N3H6 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड. ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. तो अभी तक जो भी इनकरेक्ट थे वो अपन को सारे मिल चुके हैं. नेक्स्ट देखो, Al2Cl6 सबलाइम ऑन हीटिंग. तो Al2Cl6 का स्ट्रक्चर ये होता है. अगेन Al2Cl6 इज अ डाइमर ऑफ AlCl3, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं. अब बेटा ये जो बॉन्ड होगा आपका, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं है, ये होगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर था, इसके पास भी लोन पेयर था. ये दो इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होंगे, ये कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड नहीं है. एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इसमें 4. अब बेटा देखो जरा ध्यान से, एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को AlCl3 के बारे में. AlCl3 बेटा Al3++3Cl- में नहीं रहता है. अगर बेटा ऐसा होता ना, तो इसका एक सॉलिड जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है. AlCl3 में सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से वो इस तरीके के फॉर्म में रहता है AlCl3. और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से देखो, क्लोरीन डोनेशन कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है और डाइमराइज हो जाता है. तो अब ये जो डाइमर होगा, इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं, यहाँ पे कोई आयोनिक इंटरेक्शन नहीं होता है. एंड Al2Cl6 सबलाइम एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बेटा यहाँ पे वैसे फोर्सेस नहीं होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होते हैं. अगर वैसा होता तो ये बहुत रिजिड होता और इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता. जबकि आप देखो ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबलाइम हो जा रहा है, इसका मतलब जो AlCl3 के आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक है. और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि Al2Cl6 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबलाइम होता है. नेक्स्ट देखो, इन Si2O5 होल N2N- एनाइन 3 ऑक्सीजन ऑफ Si4- टेट्राहेड्रॉन आर शेयर्ड विद अनदर SiO4 टेट्राहेड्रॉन. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. इसको अभी मैं रफ करके थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको. बाकी के दो ऑप्शन इजी हैं, उनको समझ लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज SP2 इन पायरोल. तो बेटा पायरोल ये होता है, पायरोल होता है आपका ये. अब देखो, अगर नाइट्रोजन एटम को देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है. बट बेटा ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, डिलोकलाइजेशन में है, और बहुत शानदार तरीके से ये रेजोनेंस करता है, क्योंकि जितनी इफेक्टिवनेस इसके रेजोनेंस में होगा उतना ज्यादा यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर होगा. तो ये कंपाउंड एरोमेटिक भी होता है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, उसकी वजह से ये हमें मिला कि ये जो लोन पेयर है इट इज ऑलमोस्ट इन कॉन्जुगेशन. दिस लोन पेयर इज ऑलमोस्ट इन कॉन्जुगेशन. देखो बेटा, रेजोनेंस होने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब अगर आप बोलो कि सर लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बट दिस इज द केस जहां पे लोन पेयर ऑलमोस्ट
आप बोल सकते हो 90% रेजोनेंस में होता है, यहाँ पे आपको कभी नहीं मिलेगा, इस चक्कर में इस लोन पेयर को मैं काउंट नहीं करूंगा, इसलिए इसमें बेसिकली सिर्फ क्या बचा, 3 सिग्मा बॉन्ड और उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2 इन पायरोल। बेटा ऐसा हर जगह नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा आप मिस्टेक मत करना, पायरोल में sp2 होगा, बाकी नेसेसरी नहीं है कि जहाँ पर रेजोनेंस हो वहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस हो। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज इन एनिलिनियम आयन इज नॉट डीलोकलाइज्ड। पॉजिटिव चार्ज इन एनिलिनियम आयन इज नॉट डीलोकलाइज्ड, इस स्टेटमेंट के लिए देखो, एनिलिनियम आयन बेटा ये होता है, दिस इज एनिलिन और इसका पॉजिटिव चार्ज ये हो गया एनिलिनियम आयन। देखो बेटा अगर ये रेजोनेंस करता है ये पॉजिटिव चार्ज तो कुछ ऐसा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा कैसे होगा, एनिलिनियम आयन में ये, अब अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक पाप हो गया, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड इम्पॉसिबल है बेटा, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं होता है। तो ये सिर्फ बेटा अगर आपको याद हो सिर्फ माइनस आई लगाता है और बहुत तगड़ा माइनस आई, ये माइनस एम नहीं लगा पाता है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर लेगा बेटा, ये पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तभी पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आता है। नाइट्रोजन प्लस 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन प्लस है तो 4 और 4 बॉन्ड बना चुका है तो क्या है 8, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं होता है। तो योर स्टेटमेंट नंबर 9 एंड 10 आर परफेक्टली करेक्ट। अच्छा जो 8th स्टेटमेंट था, इन Si2O5 होल N2N-N9 3 ऑक्सीजन ऑफ SiO4 माइनस टेट्राहेड्रॉन आर शेयर्ड विद अनदर SiO4 टेट्राहेड्रॉन। तो देखो जरा सिलिकेट्स का थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन सा करा दूं। देखो सबसे पहले तो होता है ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट होता है बेटा SiO4 माइनस सीधा सीधा, जिसमें कोई ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता, मतलब 0 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन शेयर्ड होता है, देखो चारों ऑक्सीजन ओ माइनस है। सेकंड होता है बेटा पायरो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट में 1 ऑक्सीजन शेयर होता है, देखो इसका एक ये और इसका एक ये, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, Si2O7 6 माइनस, 1 2 3 4 5 6 6 माइनस, 2 सिलिकॉन और 7 ऑक्सीजन। तो ये क्या है पायरो सिलिकेट, ये क्या है ऑर्थो सिलिकेट, इसमें पर टेट्राहेड्रन 1 ऑक्सीजन शेयर होता है, इसमें 0 इसमें 1। नेक्स्ट होता है बेटा चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, अगर आप देखो इस सिलिकॉन के लिए तो ये पूरा ऑक्सीजन है ये पूरा माइनस है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये कितना होगा बेटा हाफ, और इसका जो ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के लिए होगा कितना होगा हाफ। तो अब अगर आप देखोगे तो Si के साथ 2 ऑक्सीजन तो फुल्ली है, आधा आधा एक 3, तो SiO3 और टोटल चार्ज कितना है 2 माइनस। अब अगर इसको होल एन कर दें तो यहाँ क्या कर देंगे 2N-। तो अगर ये सिलिकेट है तो इसको कहते हैं चेन सिलिकेट, और इसमें देखो बेटा पर टेट्राहेड्रॉन 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, देखो इस टेट्राहेड्रॉन में देखोगे और इस टेट्राहेड्रॉन में देखोगे दोनों में तो 2 2 ऑक्सीजन सबके शेयर्ड है, 2 2 अनशेयर्ड है। नेक्स्ट देखो साइक्लिक सिलिकेट, जो साइक्लिक सिलिकेट होता है इसमें भी बेटा देखो इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है 2, इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है 2, इसके कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं 2, तो साइक्लिक में भी 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, और 2 ऑक्सीजन अगर शेयर्ड हैं तो फॉर्मूला आपका क्या आएगा वही सेम SiO3 होल एंड 2N-। अब देखो एक होता है जब चारों ऑक्सीजन शेयर्ड हो, चारों ऑक्सीजन जब शेयर्ड होते हैं बेटा तो क्या आएगा Si, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आगे क्या होगा सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन यहाँ सिलिकॉन, और ये बन जाता है बेटा आपका क्वार्ट्स जो SiO2 होता है, इस तरीके से इनफाइनाइट चेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अब पर सिलिकॉन देखोगे तो ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के लिए आधा, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के लिए आधा, इसके लिए आधा, और कहीं कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो
एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन, आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो Si2 होल n, और टोटल चार्ज इसमें क्या होता है, जीरो। तो इसमें चार ऑक्सीजन शेयर्ड है। अब देखो जरा, एक होता है जिसमें तीन ऑक्सीजन शेयर्ड हो, देखो जरा वो क्या होता है। जैसे ये सिलिकॉन लिखा, ठीक है, ये सिलिकॉन है और इसके तीन ऑक्सीजन शेयर्ड है। अब अगर तीन ऑक्सीजन शेयर्ड है तो आगे सिलिकॉन होगा, यहाँ यहाँ भी सिलिकॉन होगा, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन इसमें अनशेयर्ड है, मतलब वो क्या होगा, ओ माइनस। तो अब बताओ इस सिलिकॉन के लिए अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना बेटा, इस सिलिकॉन के लिए अगर देखोगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, हाफ। इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। और इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, वन। तो क्या हो जाएगा, Si ऑक्सीजन कितने हो गए, आधा आधा आधा, 1.5 और 1, 2.5 ऑक्सीजन, 2.5 बेटा। नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, ओनली वन। अगर विद रिस्पेक्ट टू वन सिलिकॉन देखो तो -1 या 1-। अब समझो बेटा, ऐसा फॉर्मूला तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लिख सकता हूँ, Si2O5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2-, और यहाँ होल एन कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2n-। तो ये जो इस फॉर्मूला था, इसमें पर टेट्राहेड्रॉन कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, तीन। और एक होता है बेटा डबल चेन, एक होता है डबल चेन, उसमें 2.5 शेयर्ड होते हैं, मतलब एक एक बार चेन ऐसे है, एक चेन ऐसे है, तो एक बार तीन शेयर्ड होते हैं, एक बार दो, एक बार तीन, एक बार दो, एक बार तीन, एक बार दो। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो, देखो ऑर्थो सिलिकेट में जीरो ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, पायरो सिलिकेट में वन ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, चेन सिलिकेट में दो ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, साइक्लिक सिलिकेट में दो ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, डबल चेन सिलिकेट में 2.5 ऑक्सीजन, मतलब एक एक लेयर में दो और एक लेयर में तीन, मतलब एक टेट्राहेड्रॉन यहाँ टेट्राहेड्रॉन, यहाँ टेट्राहेड्रॉन, तो इन दोनों में पहले दो होंगे, फिर अगले वाले टेट्राहेड्रॉन में तीन, तो दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, इस तरीके से डबल चेन। एक होता है टू डायमेंशनल सीट, टू डायमेंशनल सीट क्या है कि पूरा टू डायमेंशनल सीट बन जाएगा लेकिन एक एक ऑक्सीजन अनशेयर्ड होगा। तो टू डायमेंशनल सीट का फॉर्मूला क्या आया, Si2O5 होल एंड 2n-, जो क्वेश्चन था अपना, इसमें तीन ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे और एक होगा थ्री डायमेंशनल सीट, वो फॉर्मूला होता है SiO2, जिसमें चार ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा JEE एडवांस के लिए। ऑर्थोसिलिकेट नो शेयरिंग, पायरोसिलिकेट पर टेट्राहेड्रॉन एक ऑक्सीजन, साइक्लिक एंड चेन दो ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन, डबल चेन 2.5 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन, एंड टू डायमेंशनल सिलिकेट थ्री ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रॉन, एंड थ्री डायमेंशनल सिलिकेट चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको, ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है JEE के लिए। थैंक यू।